सिरसा च पिछले 20 दिनों तो रुकिया बाहुबली ट्रक हुण चलना शुरू हो गया है क्योंकि तकनीकी दिक्कत आ रही सी। रेलवे ट्रैक नू क्रॉस करवाना सी जिस दे चलदे ये बाहुबली ट्रक पिछले 20 दिनों तो सरसे दे विच ही रुकिया होया सी। अज रेलवे लाइन जिहड़ी है वह क्लीयर करा दित्ती गई है। रेलवे दे उत्ते जिहड़ी तारा हुंदियां ने उन्हां नू क्लीयर कराती है। तो हुण तुहानू तस्वीरां विखा दईए, रेलवे ट्रैक दे उत्ते पाथ बनाया गया है जिस दे उत्तों बाहुबली ट्रक नू कढ़िया जाऊगा। आ वेखोगे तुसीं स्टील दी जिहड़ी ये लोहे की जिहड़ी सड़क बनाई है। हुण सामने तस्वीरां दे विच असीं तुहानू विखा रहे हां कि बाहुबली ट्रक जिहड़ा है वह चल पिया हैगा, ये अगे वधन नू तैयार हैगा। तुसीं अगे वेख सकते हो कि ये ट्रक जिहड़ा है हुण चल पिया हैगा ते ये रेलवे लाइन नू हुण क्रॉस करूगा। हुण असीं तुहानू तस्वीरां विखा रहे हाँ न्यूज़ 18 ते एक्सक्लूसिव तस्वीरां कि किस तरह ये बाहुबली ट्रक जिहड़ा है ये अगे वध चुकिया है। किन्नी चार ट्रक ने जिहड़े इस बाहुबली ट्रक नू अगों कढ रहे ने ते चार ट्रक जिहड़े ने इहनू खिंच रहे ने ते ये रेलवे ट्रैक है जिहदे उत्ते लोहे दी चादरां बिछाइयां ने ते उहदे उत्तों दी कढ़िया जा रहा है। तस्वीरां च असीं तुहानू विखा रहे हाँ एक्सकलूसिव तस्वीरां न्यूज़ 18 ते असीं तुहानू विखा रहे हाँ कि किस तरह इस बाहुबली ट्रक नू कढ़िया जा रहा है। ये एक्सकलूसिव तस्वीरां तुसीं न्यूज़ 18 ते वेख सकते हो। रेलवे ट्रैक इस वक्त क्रॉस कर रहा है। 416 टायरां वाला जिहड़ा ये ट्रक हैगा इस वक्त रेलवे ट्रैक तो क्रॉस हो रहा हैगा। पिछले कई दिनों तो तकनीकी कारण सी जिस दे चलते ये ट्रक जिहड़ा है पास नहीं हो सकया, नहीं चल सकया। हुण इस नू कट दिता गया है रेलवे ट्रैक तो ते रेलवे ट्रैक दे उत्ते लोहे दी चादरां विछाइयां ने जिस दे उत्तों इस बाहुबली ट्रक नू अगे कट दिता है। हुण अगे जा रहा है, तस्वीरां तुसीं वेख रहे हो किस तरह ये ट्रक जिहड़ा है हुण अगे चल पिया है। हुण ये अगे बठिंडा दे विच बनी रिफाइनरी जिहड़ी है उस दे विच जाण नू तैयार है। जिवें ट्रक निकलिया है उस तो बाद तुरंत जिहड़े ने अधिकारी ने जिहड़े कर्मचारी ने जिहड़े इस ट्रक दे नाल चल रहे ने वह अगे इस लाइन नू क्लीयर कराने की कोशिश कर रहे ने। फिलहाल एक वड्डी उपलब्धि ये बाहुबली ट्रक दे नाल चलण वाले दी कि इस ट्रक नू रेलवे लाइन तो क्रॉस करवा लिया है। हुण दूजी जिहड़ी इहनां दी चुनौती हैगी इस ट्रक नू घग्गर दरिया पार कराना है। फिलहाल तस्वीरां असीं तुहानू एक बार विखा दईए, रेलवे दी टीम इत्थे पुज्जी सी। जिहड़ी एक लाइन हुंदी है रेलवे लाइन जिहड़ी हुंदी है इलैक्ट्रिसिटी उहनू डाउन कीता गया, उस तो बाद ये पाथ बनाया गया, ये रास्ता बनाया गया मिट्टी दे कट्टे रख के, उस तो बाद लोहे दी चादरां रख के ये पाथ बनाया गया और इस पाथ तो इस बाहुबली ट्रक नू कट दिता गया है क्योंकि उत्ते एक वड्डा फ्लाईओवर है जिस ते ट्रक नहीं जा सकता सीगा ते इस रोड तो इस बाहुबली ट्रक नू क्रॉस करवाना सीगा। कई दिनों तो दिक्कत आ रही सी, रेलवे तो मंजूरी भी नहीं मिल रही सी, लेकिन इस वक्त इस बाहुबली ट्रक नू इस ट्रैक तो कट लिया है। हुण दूजी जिहड़ी चुनौती इस टीम लई हैगी वो आ है कि घग्गर दरिया नू क्रॉस कराना है ते उस दे विच लगभग पुल जिहड़ा है वह तैयार हो गया और जदों पाथ तैयार होगा उस तो बाद इस नू अगे लंघिया जाऊगा। हुण तुहानू विखा रहे हाँ किवें इस ट्रैक नू चालू करन वास्ते क्योंकि रेलवे ट्रैक नू भी चालू करवाना है, ये वड्डी ओपरचुनिटी है ते उस नू पूरा कर रहे ने। हुण धीरे धीरे जिहड़ी लोहे दी जिहड़ी चादरां विछाइयां सी उहनू ट्रैक तो चक्या जा रहा है क्योंकि पहला ये चादरां विछाइयां गईयां सीगियां, हुण उस चादरां नू हुण चक्या जा रहा है ताकि रेलवे ट्रैक नू बिल्कुल क्लीयर करवाया जाए। इस टीम दे सदस्य भी नाल ने, उस तो इलावा रेलवे दे जिहड़े अधिकारी ने वह भी नाल ने। तां ये बाहुबली ट्रक हुण तुहानू असीं विखाया किस तरह सिरसा तो ये बाहुबली ट्रक जिहड़ा है वह अगे वधना शुरू हो गया है ते दस्या जा रहा है कि 11 महीने तो चलिया ट्रक हुण 15 दिनों के करीब आने वाले 15 दिनों के इस नू बठिंडा रिफाइनरी दे विच जिहड़ा इहदे विच रिएक्टर है उस नू बठिंडा रिफाइनरी दे विच पहुँचा दिता जाऊगा। साढ़े नाल इस बाहुबली ट्रक के नाल चल रहे प्रोजेक्ट मैनेजर वीरेंद्र पांडे जी ने उन्हां नाल गलबात करते हैं। सर पिछले 20 दिनों से सिरसा आप रुके हुए हैं तो किस तरह की दिक्कतें आईं और अब आगे कितने दिन लग जाएंगे सर?
आगे अभी 15 दिन करीब लगेगा। और यहाँ पे दिक्कत है रेलवे क्रॉसिंग के, था आगे घगर रिवर का है, वही थोड़ा प्रॉब्लम है, बाकी वो सॉल्व हो जाएगा एक हफ्ते के अंदर में सब। तो रेलवे क्रॉसिंग क्या इससे पहले भी की सर हमने, आज देखा सर इससे पहले भी कितनी रेलवे क्रॉसिंग आप कर चुके हैं सर? 10-12 रेलवे क्रॉसिंग तो कर चुका है पहले, आरओबी का रेलवे क्रॉसिंग कर चुका है पहले भी। तो घग्गर पर किस तरह से सर इसको क्रॉस कराया जाएगा, क्या जो पुल है वो उसमें दिक्कत आती है जो अलग बनाया जा रहा है सर? ये टेम्प्रोरी रोड बनाएगा उसके लिए, पुल पे सेफ्टी के हिसाब से हम लोग नहीं निकलते हैवी कंसाइनमेंट को, उसके लिए टेम्प्रोरी रोड कंस्ट्रक्ट करके फिर निकलते हैं। तो उसको कितने दिन अभी लगेंगे सर पुल को तैयार होने में? जो 4-5 दिन अभी लगेगा। तो अब कितने दिन मान के चलें कि ये रिएक्टर पहुंच जाएगा सर रिफाइनरी में? सर विद इन 15 डेज पहुंच जाएगा रिएक्टर। तो इतना टाइम सर कैसे लग गया, कितनी दिक्कतें सर आपको आई सर यहाँ पर? वो बारिश के कारण 2-3-4 महीने खड़ा हो गया था, उसके लिए इतना टाइम लगा, बाकी ऐसे टाइम नहीं लगता है मूवमेंट के लिए। और रास्ते में तो कई छोटे मोटे प्रॉब्लम आते रहते और रनिंग में सॉल्यूशन होते रहता है उसका। तो अब मान के चलें कि सिरसा को क्रॉस करने का जो आधा रास्ता था वो आपका कंप्लीट हो गया है? हाँ कंप्लीट हो गया है। तो रेलवे में सर क्या दिक्कत हुई सर, रेलवे से परमिशन लेनी पड़ी आपको तो टाइम लगा या कोई और तकनीकी कारण लगी? नहीं रेलवे में परमिशन ऑलरेडी पहले से हो चुका था, रेलवे में तो हम लोग ने स्टॉप करके रखा था कि अभी थोड़े दिन बाद कुछ हॉलीडे की वजह से स्टाफ भी चले गए थे, तो हम लोग होल्ड करके रखा था, घगर में बाईपास बन जाएगा उसके बाद इसको निकालेंगे यहाँ से। तो सर इससे पहले भी इतने बड़े कंसाइनमेंट सर कंपनी आपकी तरफ से ट्रांसफ़र किए होंगे सर, कितने दिन लगते हैं या बड़े बड़े कंसाइनमेंट ही आप क्रॉस करवाते हैं? ये पहले भी 4-5 महीना लग जाता है, अगर गुजरात से और बठिंडा लेके जाना है तो 4-5 महीना तो मिनिमम लग ही जाता है सर। अगर बारिश के दिन होता है तो फिर लेट हो जाता है, बारिश के दिन में नहीं हैवी कंसाइनमेंट नहीं चल सकता है। तो सर ये 416 टायर हैं सर ट्रेलर के सर, इसको कितने ट्रक हैं वो आगे से खींचते हैं और पीछे कितने ट्रक हैं, कितने कर्मचारी हैं सर? नॉर्मली 2 पुलर इसको आगे से इसको खींचता है और पीछे से 1 पुलर को पुशअप करता है, बाकी अगर जहाँ ज़रूरत पड़ता है एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं, अगर नहीं ज़रूरत है तो 2 पुलर कंटिन्यू रहता है। तो क्या फ्लाईओवर जो आते हैं उनको नहीं क्रॉस कर सकता सर, उसमें क्या दिक्कत आती है सर? फ्लाईओवर क्रॉस कर सकता है सब, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेफ्टी के हिसाब से हम लोग नहीं लेकर के जाते फ्लाईओवर के ऊपर से। तो कितने लोगों की टीम सर रेगुलर चलती रहती है और दिन रात क्या साथ में ही रहते हैं, किस तरह से करते हैं सर? 24-25 लोग साथ में रहते हैं परमानेंट, दिन रात साथ में रहते हैं। तो सर अगर माइलेज की बात की जाए तो कितना सर इसमें सर ट्रक की माइलेज चलती है सर, कितना तेल पीता होगा सर ये? एक पुलर जो खींचने वाला होता है उसका 7 लीटर पर किलोमीटर के हिसाब से 1 पुलर का डीजल एक्सपेंस होता है। तो इसमें सर जो वो चल रहा है सर रिएक्टर चल रहा है उसका कितना वजन होगा, कितना वेट होगा और किस तरह से रोड पर जब लेके जाते हैं तो कैसे सर, हमने देखा कि तस्वीरों में कि लोहे की चादरें बिछाई जाती हैं, तो ये किस तरह से प्रोसेस होता है सर? और सेफ्टी के लिए जहाँ पे हमको डाउट होता है कि यहाँ पे वो कुछ रोड वीक है या कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम प्लेट डाल देते हैं और इसका 971 टन वजन है। बाकी रोड पे मूवमेंट के लिए कोई हाइड्रोलिक एक्सल है, इसके लिए हर टायर के ऊपर में 10 टन वजन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता रोड मूवमेंट में। चलिए अंतिम सवाल कि इस रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने में किस तरह से सर काम करना पड़ा, किस तरह से रास्ता बनाना पड़ा, कितने दिन लग गए सर? वो टेम्प्रोरी रोड अरेंजमेंट करना पड़ते हैं और 15 दिन इसको रोड बनाने और ये सब करने में टाइम लगा, परमिशन तो ऑलरेडी रेलवे से मिल चुका था इसका। तो अभी यहाँ से क्रॉस हो गया है सर, अब आगे कब से इसको शुरुआत करेंगे, आगे दूसरा पड़ाव जो? अभी 2-3 दिन लगेगा उसके लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल साढ़े नाल गलबात कर रहे सी इस ट्रक दे नाल चलन वाले बाहुबली ट्रक दे नाल चलन वाले प्रोजेक्ट मैनेजर, उन्होंने दस्या किन्ने दिन तो ये मुद्रा पोर्ट तो ट्रक चलिया, किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पाया, किन्ने रेल ट्रैक इन्हों क्रॉस करने पाए, किन्ने ब्रिजिज इन्हों क्रॉस करने पाए। तो लगातार असी अपने दर्शकों को विखा रहे हैं कि एक रिएक्टर ले जाने वास्ते किन्नी मेहनत करनी पै रही है इस कंपनी नू, किस तरह दे दिक्कतों का किस तरह की मुश्किलों का इन्हों सामना करना पै रहा है। फिलहाल सरसे दे विच ही हाल है क्योंकि दूजा पड़ाव इन्होंने पूरा करना है, एक ब्रिज नू क्रॉस कराना है, तो उस ब्रिज नू क्रॉस कराने के बाद इन्हों का टारगेट है कि 15 दिन के आने वाले 15 दिनों के इस रिएक्टर नू रिफाइनरी दे विच पहुँचा दिता जाए। सिरसा तो मैंने कुछ सुझा न्यूज़ 18।